जी हाँ फ्रेंड्स, के अंदर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आपको बैकग्राउंड के बारे में, किस तरह आपको वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करने का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, मीडिया ब्राउज़र ओपन करना है। फ्रेंड, सबसे पहले आपको मीडिया ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा और यहाँ से बैकग्राउंड जो भी आपको पसंद आता है वो बैकग्राउंड यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और आपके पास पर्सनल बैकग्राउंड है तो अपना पर्सनल बैकग्राउंड फोटो या वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ वीडियो पड़ी है बैकग्राउंड की, तो वो यहाँ पर हम ऐड करके दिखाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि फ्रेंड मान लीजिए हमारे पास काफ़ी वीडियो हैं, तो यहाँ पर मैं आपको ऐड करके दिखाने वाला हूँ वीडियो। मेरे पास ये वाली वीडियो है तो मैं इस वीडियो को ऐड करके आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है। मैंने ये वीडियो ऐड कर ली है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कैसे करना है आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। लेयर पे जाना है और मीडिया ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपको एक वीडियो बनानी है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसी वीडियो आपको बनानी होती है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो है, तो यहाँ पर आप वीडियो ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड थोड़ा टाइम लग रहा है ओपन होने में, तो ये हमारी ये वीडियो आ गई है और हमने इस वीडियो को ऐड कर लिया है, ठीक है। तो हम ये वीडियो थोड़ा क्रॉप करेंगे, थोड़ा ही यहाँ पे क्रॉप करेंगे, एक सेकेंड क्रॉप, ये क्रॉपिंग का ऑप्शन दिख रहा है, क्रॉप करेंगे यहाँ से वीडियो इतना और यहाँ से इतना, जितना आपको चाहिए उतना हिसाब से आप उसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतना क्रॉप कर लिया है, यहाँ पे इतना और यहाँ इतना, ठीक है। मैंने क्रॉप करने के बाद इसको जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ तक उसमें सेट कर सकते हैं, या बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं। तो हमें यहीं बीच में चाहिए तो ज़्यादा कहीं अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पर क्रोमा की लिखा हो, क्रोमा की पर क्लिक करना है और यहाँ पर एनेबल कर देना है। सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पर जो वीडियो बनानी है फ्रेंड, ये वाली वीडियो बनानी है, वो ग्रीन स्क्रीन आपको पीछे पर्दा रखना होगा, या फिर आप ब्लू स्क्रीन रख सकते हैं, या फिर वो भी कलर आपका रह सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये तीन चार कलर, हमारे ब्लैक पेंट और ये हमारे ब्लू, मतलब ब्लैक में आपको ये दिख रहा होगा और ये हल्का रेड में हमारा ये है बरियान, ठीक है। तो हमारे इन कपड़ों से अलग, मतलब मैचिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे कपड़े हैं उन कपड़ों से हमारे पीछे कलर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से अलग होंगे तो पीछे का बैकग्राउंड है रिमूव हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ब्लू भी चल जाएगा और अपना येलो चल जाएगा, ठीक है, और ग्रीन भी चल जाएगा। तो हमारा ग्रीन तो हमारा है ही, ठीक है। अब इसको अनेबल कर देंगे, अनेबल करते ही फ्रेंड देखिए इस तरह का इंटरफेस आ गया है। और यहाँ पर थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं हम, थोड़ी सेटिंग करने का इसका हमें इस तरह करेंगे यहाँ पे, थोड़ी यहाँ से कर दिया, देखिए फ्रेंड ये हमारा रिमूव हो गया है। और थोड़ी सी सेटिंग करनी है आपको यहाँ से इस तरह की, ठीक है। यहाँ पर हम सेटिंग कर लेते हैं ये, तो यहाँ पर हमने सेटिंग कर लिया ये वाली फ्रेंड, तो थोड़े से यहाँ कर ले ये सेटिंग, ठीक है। और ये हमें ये सेटिंग हो गया, इसको हम बिल्कुल वॉल्यूम कम कर देते हैं, ये हमने वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दिया है फ्रेंड। और एक बार हम देखते हैं वीडियो प्ले करके कैसी बनी है हमारी, ये देखिए फ्रेंड। और भी आप इसमें बेहतर इफेक्ट लाना चाहते हैं तो आप तो अपने थोड़ा सा यहाँ पे कलर फिल्टर में जाके कलर सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से, जैसे सॉरी यहाँ पर मैं कलर फिल्टर में जाना मुझे, हाँ कलर फिल्टर में यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं और, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कलर्स फिल्टर में भी आकर आप यहाँ सेटिंग कर सकते हैं और आपको बिना कलर्स में भी जाके भी सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मल रखते हैं और हमें सेटिंग करनी है यहाँ पर सिर्फ एडजस्ट कलर में, ठीक है। एडजस्ट कलर यहाँ पर सेटिंग कर लेंगे, तो यहाँ पे कलर एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा ये मैंने कलर एडजस्ट कर लिए हैं इतना, और यहाँ पर और थोड़ा वापस जाएंगे क्रोमा की में, क्रोमा की में जाने के बाद फिर यहाँ थोड़ी सेटिंग कर लेंगे और, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेटिंग कर दिया ये इतनी, और थोड़ा सा बारीकी हल्का हल्का सा आपको सिर्फ बारीकी काम रहता है फ्रेंड्स के अंदर। अब हल्के से करेंगे तो भी आपको दिखाई देगा, अब थोड़ा तेज़ी से करेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा कि हम वीडियो किस तरह हम एडिट करने चाह रहे हैं, किस तरह हमें वीडियो बनानी है। तो यहाँ पे हम देख लीजिए फ्रेंड, थोड़ा हमने ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कर लेंगे सही, ठीक है। और ये हम एक बार प्ले करते हैं वीडियो हमारी कैसी बनी है फ्रेंड। तो यहाँ पर जो फ्रेंड हमारी जो वीडियो है पीछे बैकग्राउंड वाली, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक लेयर पे जाना है और यहाँ से मीडिया ओपन कर लेना है और यहाँ से एक फ़ोटो ऐड करना, मतलब ब्लैक, ठीक है। ब्लैक मैंने फ़ोटो ऐड कर लिया और इसका जो साइज़ है मुझे थोड़ा सा इस कंडीशन में कर देना है, ठीक है। ये मैंने इस कंडीशन कर दिया है, तो यहाँ पर जो साइज़ है ये वाला सही नहीं है, तो यहाँ पर हम उसको इधर कर देंगे और थोड़ा साइज़ को बढ़ा लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा सॉरी यहाँ पे थोड़ा यहाँ फिर वही हो गया, इसको ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद फिर यहाँ पर आएंगे क्रॉप पे, ठीक है। क्रॉप पे करने के बाद यहाँ कर देंगे इसको यहाँ पर इतना, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ थोड़ा सेटिंग इसके बढ़ा लेंगे, यहाँ बढ़ा दिया अपने इतना, ठीक है। इतना बढ़ाने के बाद अब थोड़ा देख रहे हैं, ठीक है। ये हमें यहाँ पर सेट हो गया है। अब देखिए काफ़ी, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको चेंजिंग लग रही होगी पहले से, तो और इस तरह से जहाँ तक आपको चाहिए वीडियो वहाँ तक इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
और आप थोड़ा सा और भी ऊपर कर सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा आपको चाहिए वैसा इसमें कर सकते हैं। और जैसे इसको नहीं चाहिए आपको, तो यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप करके यहाँ जो पीछे बैकग्राउंड हमारा उसको फुल थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो स्क्रीन है इसको हमें थोड़ा सा साइज में बढ़ा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये साइज बढ़ा लिया, और इसको हम फोटो को जो रिमूव कर देते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं, ये आप देखिए, ठीक है। और ये वीडियो हमारी जो है इसको हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, हमने यहाँ कर लिया, और अब प्ले कर लेते हैं वीडियो। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा बिल्कुल ही अच्छा इफेक्ट बन गया है। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए फ्रेंड। बहुत ही आसान तरीका है, मैंने आपको बताया है, जैसे कि आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो आप दूसरा स्क्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में, मतलब अपने कपड़े से मैचिंग नहीं होना चाहिए, आपको जो बैकग्राउंड है वो आपके कपड़ों से मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमारी वीडियो कम्प्लीट हो